शारदीय नवरात्रि में जगह जगह लोग मां दुर्गे की आराधना कर रहे हैं। जहां एक तरफ पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, वहीं घरों में भी लोग छोटी प्रतिमा स्थापित कर पूरे भक्ति भाव से मां जगदम्बे की आराधना कर रहे हैं। विकास नगर में घरों में स्थापित मां के भजनों के साथ पूजा की गई, तो मोहरीपुर में श्री श्री दुर्गा पूजा भवानी समिति द्वारा 1992 से ही दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जहाँ आसपास से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं और पूजा अर्चना के साथ मेले का भी लुफ्त उठाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भवानी समिति के अध्यक्ष शंभू गुप्ता ने बताया। शंभू गुप्ता 1992 से स्थापित किए हैं और यहाँ पूरा काफ़ी संख्या में भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है। मोहरीपुर मार्केट का बहुत ज़्यादा सहयोग है, हमारे जूनियर सदस्य उनका सहयोग है, सीनियर सदस्यों का सहयोग है और भव्य रूप से पूजा मनाई जाती है। यहाँ यहाँ 1 लाख से ऊपर की होगी लमसम, 1 लाख लमसम होगा और व्यवस्था सारे हमारे कार्यकर्ता देखते हैं। प्रशासन से भी सहयोग मिलता है? प्रशासन से सहयोग मिलता है, प्रशासन आती है, जो लोग कहते हैं वो करती है। विसर्जन कब करते हैं? विसर्जन 10 दिन करते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है 1 दिन लेट करें, मंगल को जैसे।